हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी मित्तल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही नया वीडियो। इसमें बताऊंगा पांच ऐसी बातें जो आप कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी प्रॉब्लम्स। दोस्त एक फैक्ट बताता हूँ, जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उनमें से 80% लोग वो होते हैं जिन्हें आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता और 20% मज़े में होते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने माँ बाप से शेयर करें, किसी से ज़्यादा शेयर ना करें। तो ये पहली बात थी दोस्तों। हमारी दूसरी बात है अपना रिलेशनशिप और अपनी लव लाइफ हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्त क्या होता है कि जब हम नए नए रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बात सबको बताते हैं कि ये देख ये मेरी बंदी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है। दोस्त अगर आप उसे ज़िंदगी में सच में उसे प्यार करते हैं और उसके साथ आगे अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो ये बात किसी को मत बताइए। मैं जानता हूँ कि ये बात ज़्यादातर छुपी नहीं रह सकती, पर जितना आप छुपाएंगे आपका रिलेशन उतना ही सक्सेसफुल और आगे तक जा सकता है। दोस्तों हमारी तीसरी बात है नेवर शेयर योर नेक्स्ट मूव। हमें अगला कदम ज़िंदगी में जो भी लेना है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों अब एक चेस बोर्ड इमेजिन कर लीजिए, जब हम चेस खेलते हैं तो अपना मूव कभी किसी को नहीं बताते, इसी वजह से शायद दूसरा मार खा जाता है। और यही बात हमें ज़िंदगी में भी अप्लाई करनी चाहिए, अपना नेक्स्ट मूव कभी भी मत किसी को बताइए। क्योंकि कुछ लोग हमसे जेलसी करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो आपका वो जो मूव बताया हुआ है तो वो आपका ख़राब कर सकते हैं, उसमें अड़चने डाल सकते हैं और आप कुछ लॉस में जा सकते हो। तो अपना नेक्स्ट मूव कभी भी किसी को मत बताइए। दोस्तों फोर्थ है नेवर शेयर योर इनकम। हमें अपनी इनकम किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कभी आपने देखा है कि जो भी इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कभी अपनी इनकम रिवील नहीं करते, हमें भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप इनकम रिवील कर देते हो कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, तो बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, आपसे जलने लग जाते हैं और वो आपको मॉनेटरी लॉस भी पहुँचा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा इनकम लोगों को बताएंगे तो आप सरकार की भी नज़रों में आ जाएंगे कि भैया ये तो इतने कमा रहा है, इससे कैसे टैक्स ले। तो सभी लोग आपकी जेब पे देखना शुरू कर देते हैं। तो अपनी इनकम कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और दोस्तों हमारी लास्ट जो है नेवर शेयर योर गुड डीड्स। दोस्त आजकल सब जगह ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने कभी कुछ दान किया उसके साथ फ़ोटोग्राफ करा ली और किसी को कुछ दिया तो ब्रैगिंग करना शुरू कर दिया कि भाई मैंने तो इतने डोनेट कर दिया। दोस्त एक कहावत है कि आपने जो दान किया है कि आपके राइट लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए ये बात। और लेकिन हम आप आज करते क्या, खुल के सभी को बताते हैं कि भाई मैंने यहाँ डोनेशन कर दिया। तो जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं अपने पास रखिए, क्योंकि उसका असर वो उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ही, आपने दे दिया तो उसे भूल जाइए, उसे कभी भी ब्रैग मत कीजिए, उससे उसकी इम्पोर्टेंस भी कम हो जाती है और लोग यही सोचते हैं कि भाई ये तो दिखावे के लिए दान देता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। ये थी मेरी तरफ से पांच बातें जो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए।